हेलो दोस्तों, आरजी कुल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम सीखेंगे कैपेसिटर का मदद से कंप्रेसर का कनेक्शन कैसे करें, ताकि जितने भी गांव क्षेत्र हैं, रूरल एरिया हैं, जहां पे बिजली सही से पहुंचती नहीं है, वोल्टेज बहुत ही कम आता है, तो उसमें हमारा कैपेसिटर बहुत साथ देता है, क्योंकि वोल्टेज की कमी को ये लगभग पूरा करता है। कंप्रेसर में पावर बढ़ाता है, कंप्रेसर को स्टार्ट होने में हेल्प करता है, जिससे फ्रिज हमारा रेगुलर चलता है और कोई दिक्कत नहीं होता है, और कंप्रेसर का लाइफ भी बढ़ता है और रेगुलर कूलिंग होता है, कोई समस्या नहीं आता है। तो आइए दोस्तों करते हैं वीडियो शुरू। तो सबसे जो पहली बार मेरे चैनल में आया है, वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को ऑल वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर ले, और वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करते चले। तो आइए दोस्तों करते हैं वीडियो शुरू। तो आप देखेंगे मैंने कैपेसिटर लिया हुआ हूँ, ये रनिंग कैपेसिटर है। अब यहाँ देखेंगे 6 UF का है। आप कैपेसिटर का पावर आप कंप्रेसर के अनुसार ले सकते हैं, कितना कैपेसिटी का है उसके अनुसार आप कैपेसिटर लेना है। अब है इसका कनेक्शन कैसे होगा, ये हमारा रिले और ओवरलोड एक साथ है, दोनों कंबाइंड है। इधर हो गया, इधर कंप्रेसर का पिन, तो कर लेते हैं थोड़ा सेट ताकि आपको बराबर से कनेक्शन मालूम पड़े। चलिए अब ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारा रिले ओवरलोड है, तो कॉमन रनिंग स्टार्ट चेक करना तुम्हें पिछला वीडियो में मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी सिंपली मैं तौर से मैं बता दे रहा हूँ कि इजीली आप बिना मीटर यूज किए आपको मालूम चलेगा। आप यहाँ देखेंगे कि ऊपर में एक सिंगल पिन है और साथ में दो पिन है, ठीक। किसी किसी कंप्रेसर में आपका नीचे होगा सिंगल पिन, बाकी दो पिन एक साथ ऊपर रहेगा। तो सिंगल वाला पिन आपका हमेशा कॉमन होता है, चाहे ऊपर रहे चाहे नीचे हो, ठीक है। और आप ये पिन देखेंगे, ये डायरेक्शन में आपको रखना है, ठीक है। ये जो पाइप है आपके बाहर साइड में होगा, तो आपको मीटर से आपको ट्रेस करने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा, आपको इस डायरेक्शन में रखना है। ये पाइप दोनों बाहर रहेगा, इधर का भी रहेगा, तो आपको कभी भी हो तो बाहर साइड का जो पॉइंट है दो में, बाहर साइड का पॉइंट हमेशा रनिंग होता है और अंदर का हमेशा स्टार्ट होता है, ठीक है। तो आपको ट्रेस करने का भी कोई आवश्यकता नहीं है, नहीं तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि यहाँ पे भी सिंगल वाला कॉमन होता है, और देखिए यहाँ स्टार्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे मेन लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ भी आप सेट कीजिएगा तो मेन यानी रनिंग में ये चला जाएगा और स्टार्ट वाला उधर हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल है, आप बिना मीटर के मदद से भी आप इसको ट्रेस कर सकते हैं कौन सा कॉमन रनिंग स्टार्ट है। तो ठीक है, अब कनेक्शन करते हैं। सबसे पहले तो रिले ओवरलोड हम यहाँ पे सेट कर देते हैं। ये हो गया सेट। अब यहाँ देखेंगे तो इस टाइप का कनेक्शन है, इधर दो पिन है रनिंग वाले साइड पे, स्टार्ट वाले में सिंगल है और कॉमन वाले में सिंगल नहीं होता है। तो आपका ये हो गया केबल, पावर केबल जिसका यूज करेंगे, तो इसका है न्यूट्रल फेस हो गया, तो कोई भी वायर हम ऊपर एक में लगा देंगे, कॉमन वाले ऊपर वाले पॉइंट में हमको लगा देना है। उसके बाद थोड़ा सा सेट कर ले रहे हैं, ये हो गया, ये हो गया। और ये जो है बच गया हमारा एक, ये रनिंग वाले में ऊपर चाहे नीचे ये हिस्सा में किधर भी आप लगा सकते हैं, तो इसको फिलहाल मैं नीचे लगा दे रहा हूँ, ये हो गया। अब हमको रह गया कैपेसिटर का कनेक्शन, तो इसको कैसे हम कनेक्ट करें। तो सिंपल इसका होता है दो पॉइंट, तो आपको कभी भी ऊपर वाले हिस्से में टच नहीं करना है, ये बहुत रॉन्ग है, ऐसा कभी गलती से भी नहीं करना है, ठीक है। और आपको सावधानी बरतना है
एक इसमें डायरेक्ट सप्लाई होता है, बहुत सावधानी से आपको काम करना है। तो ऊपर का पॉइंट में हमको कुछ नहीं करना है, इसमें गलती से भी काम नहीं करना है। नीचे वाले पॉइंट में आप यहाँ देखेंगे तो दो पॉइंट हमारा खाली है, तो एक इधर वाले पिन में लगाना है और एक दूसरे साइड वाले में लगाना है, मतलब इधर का रनिंग इधर स्टार्ट, मतलब रनिंग और स्टार्ट में ही हमको कनेक्शन देना है, कॉमन वाले में भूल के भी नहीं देना है। तो दो पॉइंट यहाँ खाली है तो हम ये किधर लगा दे रहे हैं, दूसरा वाला इधर लगा दे रहे हैं। ये हो गया कैपेसिटर का कनेक्शन, ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत इजी है, लेकिन थोड़ा सा ही जानकारी हमको नहीं होता है तो हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, हमको समझ में नहीं आता कि किस तरह हमको करना है। तो फिर से एक बार कैमरा कर ले रहे हैं सेट, ये हो गया। इसके साथ में एम्पियर मीटर का यूज कर ले रहा हूँ ताकि पता चलेगा हमारा कंप्रेसर कितना लोड ले रहा है और स्टार्ट हुआ या नहीं। तो आप कॉमन वाले में भी फंसा सकते हैं या फिर रनिंग वाले में, तो मैं रनिंग वाले में ही डाल दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे एम्पियर आप देख पाएंगे आसानी से, ठीक है। ये हो गया, मैं यहाँ से लाइन देने का तैयारी कर ले रहा हूँ, ये हो गया, मैं ऑन करने जा रहा हूँ। देखिए सप्लाई दिए, मेरा कंप्रेसर हो गया चालू, कोई दिक्कत नहीं आया। अब इसको चेक करें थोड़ा सा और, तो यहाँ पे देखेंगे ये हमारा डिस्चार्ज है, नीचे वाला लाइन आप देख सकते हैं, आवाज़ आप सुन सकते हैं। अब इसको एम्पियर मीटर को मैं कर देता हूँ ऑन, तो आप यहाँ पे लोड भी देख सकते हैं क्या लोड ले रहा है हमारा, ठीक है, हाफ एम्पियर से नीचे आ रहा है। तब इसको अब इससे आपको मालूम चलेगा कि ये कंप्रेसर मेरा वर्किंग है, ये डिस्चार्ज हो गया और ये दोनों हमारा, ये दोनों पॉइंट हमारा सेक्शन है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं रिले से आपको कैसे स्टार्ट करना है। लोड भी अब फिर से एक बार चेक करेंगे तो लोड भी ठीक ठाक ले रहा है। ये डबल डोर फ्रिज का है कंप्रेसर, इसलिए एम्पियर थोड़ा सा ज़्यादा लेगा सिंगल डोर के अपेक्षा में, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा एम्पियर लेगा ताकि इसका कैपेसिटी ज़्यादा है तो बिजली थोड़ा सा ज़्यादा लेगा। तो ठीक है दोस्तों, इसी तरह से कनेक्शन करना है आपको। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों बताएं, और भी कुछ क्वेश्चन क्यूरी है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होता है, उसमें आप कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, बाकी के लिए आप कमेंट भी कर सकते हैं। बाकी चैनल एक फिर से बता रहा हूँ, चैनल सब्सक्राइब करते चले और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें। तो हेलो दोस्तों, बाय बाय, ठीक है, सब थैंक यू दोस्तों वीडियो वॉच करने के लिए।